subscribe to Sadia Cuisine and Crafts and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है भिंडी, सिंपल भिंडी, प्याज और टमाटर में कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, मैंने भिंडी अच्छी तरह धो के और इसको बहुत अच्छी तरह हमने ड्राई करना है एक एक भिंडी को, और फिर हमने काट के इसको रख दिया। ये देखिए, मैंने अभी दो तीन नहीं काटी थी, इसको आपने इस तरह से काटना है, इनके एंड्स को चेक करें इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसके पीसीस कर लें इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। ये मैंने 1 किलो भिंडी ली थी। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ये कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम भिंडी को फ्राई करेंगे। ये देखिए 2 to 3 tablespoons ऑयल डाल लें, उसमें इस भिंडी को डाल दें और ऊपर थोड़ा सा नमक, बस। अब इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, मैंने एक पैन रखा है, इसमें हम ऑयल डालेंगे इस फ्राइंग पैन के अंदर, और इसमें मैंने ये 4 अदद प्याज ली थी, इसको इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लिए। इसके अंदर हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। बस अब ये फ्राई होंगे, फिर ये 5 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अभी प्याज हमारे इस शेप में आ गए। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, ये ऑप्शनल है, कुछ लोग भिंडी में अवॉइड करते हैं, आप पे है, आप डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज छोड़ दें। मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम इसको दोबारा थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर इसके अंदर टमाटर ऐड ऑन करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे ब्राउन हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन, उसमें अब हम टमाटर ऐड ऑन कर देंगे, ये 3 अदद टमाटर। अब हम इनको कुक करेंगे, और ये देखिए भिंडी अभी फ्राई हो रही है। जब ये कुक हो जाएंगे फिर हम इसको भिंडी में मिक्स करके मसाले डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज और जो टमाटर और लहसुन अदरक ये रेडी है। अब बस हम इसमें भिंडी का वेट करें, थोड़ी और फ्राई हो जाए फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, भिंडी फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर ये सब डाल देंगे, प्याज टमाटर लहसुन अदरक का मिक्सचर। अब हम इसके ऊपर सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए मैंने अनारदाना कूट के रखा हुआ है, इस अनारदाना को डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अनारदाना। सब्ज़ मिर्च डाल दें और सारे मसाले, नमक हम पेस्ट के अकॉर्डिंग, हमने फ्राइंग में भी थोड़ा डाला था इसलिए थोड़ा कंट्रोल करके, नमक मिर्च हल्दी कुटा हुआ
कच्चा धनिया, पिसा धनिया, जीरा, गरम मसाला, ये सब अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। बिल्कुल पिंच कलवंजी, इस स्टेज पे आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें। इसमें नींबू डाल दें, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। हल्की आंच पे इसको 5 मिनट्स के लिए हम स्टीम पे पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, भिंडी रेडी है। अब हम इसमें फाइनल गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर, हरा धनिया डाल देंगे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।